In today's video, I am going to show you the year-wise comparisons of newly bridge constructing over the Alaknanda River in Shirobaggara. This place is 125 km far away from Rishikesh and takes 3 to 4 hours to reach out there. Hope you all like my video. दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में आप सबको शिरोबगड़ की लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत सारे मैसेजेस आए थे आप सबके कमेंट सेक्शन में कि आपको यहाँ की लेटेस्ट झलक देखनी है, तो लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए करंट सिनारियो। हम लोगों ने कल ही ट्रैवलिंग किया है और आप सबके लिए यहाँ की लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड की है। वीडियो में आपको पिछले ईयर के कंपेरिजन में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं वो साफ साफ देखने को मिलेगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को मेरा प्रणाम। शिरोबगड़ एक लैंडस्लाइडिंग जोन है, एरिया है। जब आप लोग चारधाम यात्रा पे आएंगे ना अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो इसी वाले रास्ते से होते हुए जाएंगे, तो यहाँ की वीडियो देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ गए हैं पिछले ईयर के कंपैरिजन में। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक तो करिएगा, वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली और दोस्तों में ही बताइएगा कैसे मैं उत्तराखंड की वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 2018 से। आप सबने जब भी सफ़र किया हो श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में, चाहे आप उत्तराखंड के हों चाहे बाहर के हों, आपने देखा होगा यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जोन एरिया है शिरोबगड़ में। यहाँ पे रॉक फेल माउंटेन एरिया है जहाँ पर बरसात के टाइम पर अत्यधिक बारिश होने के कारण यात्रियों को, श्रद्धालुओं को घंटों जाम की स्थिति फेस करनी पड़ती है। बारिश होने के कारण मलबा और पत्थर रोड पे आ जाता है जिसको हटाने में घंटों का समय लग जाता है। यहाँ पर लोगों को, आप सबको पता ही है कि बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं और ये एक्सीडेंट प्रोन जोन एरिया भी है। अभी आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है ये 2018 का सिनारियो है, उस समय ये रोड ऐसे दिखती थी। श्रीनगर से तो दोस्तों अब बात करते हैं 2020 की। अभी आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है ये 2020 का करंट सिनारियो है। रोड अभी भी शिरोबगड़ से होते हुए जाती है। ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अभी भी शिरोबगड़ से होते हुए लैंडस्लाइडिंग जोन के नीचे से होते हुए रोड जाती है। पर शिरोबगड़ के थोड़ा पहले यहाँ पे अभी आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे ब्रिज का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में रोड शिरोबगड़ ना जाते हुए उससे पहले ही, जो अभी आपको फिंगर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, रोड यहाँ से होते हुए ब्रिज के ऊपर से होते हुए अलकनंदा नदी के उस पार ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे जाके रुद्रप्रयाग में बाईपास में मिल जाएगी। इससे ये फायदा होगा कि जो यहाँ पर साल भर जाम की प्रॉब्लम रहती थी, बरसात के टाइम पर जो जाम की प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, लोगों को वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। यात्रियों को, श्रद्धालुओं को आराम से यात्रा बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सकेंगे। इससे बन रहा है शिरोबगड़ के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से। जब हम आगे के लिए सफर को हमने कंटिन्यू किया तो जो नेक्स्ट ब्रिज हमें देखने को मिला वो मिला शिरोबगड़ में। यह जगह ऋषिकेश से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 3 घंटे 40 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। तो दोस्तों अब बात कंपैरिजन में क्या चेंजेस आ गए हैं, आप वीडियो देख के खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को आराम से यात्रा बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सकेंगे। इससे रोड का लेवल भी बढ़ जाएगा और जो एक्सीडेंट होते थे वो भी शायद कम हो जाएंगे। दोस्तों पहाड़ों में बरसात में बहुत परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ती है, इसलिए पहाड़ के लोगों के लिए ये चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना बहुत अहम है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं 2022 की। हम लोगों ने कल ही सफ़र किया है और आप सबके लिए लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड की है। अब आपको सिरोबगड़ का 3 से 4 किलोमीटर का जो एरिया है, नेशनल हाईवे और ब्रिज में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, कैसे कैसे कार्य चल रहा है, उसकी झलक देखने को मिलेगी बिना किसी एडिटिंग के। जैसे मैंने रिकॉर्ड किया है वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। और होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सेम वही जगह है जो मैंने आपको पिछले ईयर के पोर्शन में दिखाया था। क्या क्या चेंजेस आ गए हैं आप पूरी वीडियो देखकर कंपेयर कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे अभी भी सिरोबगड़ लैंडस्लाइडिंग जोन के नीचे से होते हुए जा रहा है, पर बहुत ही जल्दी ब्रिज का कार्य जो पूरा हो जाएगा तो मैं उसकी वीडियो भी लेके आऊँगा आप सबके लिए। चारधाम ऑल वेदर रोड पर बहुत सारे ब्रिजेस का काम चल रहा है, तो एक एक को मैंने कवर करने की कोशिश की है, उनमें से ये एक है। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।